संसद में आज मणिपुर हिंसा पर बोलने के लिए राहुल गांधी आए, सरकार पर जमकर हमला बोला, बीजेपी को मणिपुर में भारत माता का हत्यारा तक करार दे दिया। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपना भाषण खत्म किया, स्मृति ईरानी जवाब देने के लिए खड़ी हुई। भाषण की शुरुआत में ही राहुल पर फ्लाइंग किस देने का आरोप चस्पा कर दिया, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। वहीं विपक्ष ने बीजेपी के इस आरोप को मुद्दों से भटकाने वाला करार दिया और इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का सच क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, भारत मां का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। मणिपुर हिंसा की लड़ाई फ्लाइंग किस पर क्यों आई? मणिपुर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है। बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे। बीजेपी महिला सांसदों का वार, संसद में राहुल का अभद्र व्यवहार। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी, आरोप प्रत्यारोप की नई कहानी। आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? संसद में कैसी चर्चा, कौन सच्चा कौन झूठा? ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में चर्चा का दौर जारी था। एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ एनडीए, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे थे। माहौल गर्म था। मणिपुर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है। इस बीच अपनी बात रखने राहुल गांधी खड़े हुए और फिर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपना भाषण बंद किया, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री जवाब देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुद्दे को ही मोड़ दिया। आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। स्मृति ईरानी ने राहुल पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने के गंभीर आरोप चस्पा कर दिए। ईरानी ने कहा कि मैं एक बात पर आपत्ति जाहिर करना चाहती हूँ, जिनको आज मुझसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक स्त्री विरोधी लक्षण दर्शन दिए। राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया, ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज देश को पता चल गया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया।
ये उस खानदान के लक्षण हैं, याद सदन में देश को पता चले। इधर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया, उधर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, साथ ही लिखा कि संसद में लफंगई करते राहुल गांधी, शर्मनाक। लेकिन जो वीडियो अमित मालवीय ने जारी किया उसमें राहुल गांधी माननीय स्पीकर के तरफ मुंह करके खड़े, उनके आगे अधीर रंजन चौधरी खड़े हैं जिन्हें राहुल गांधी शांत करते हुए बैठने का अनुरोध करते हैं। वहीं स्मृति ईरानी राहुल के बाएं बहुत दूर खड़ी है। उधर अधीर रंजन चौधरी को बिठाने के बाद राहुल अपने हाथ को चेहरे की तरफ ले जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्पीकर को फ्लाइंग किस दे रहे हूँ। लेकिन वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं या फिर कुछ बोलने का इशारा कर रहे हैं, ये इस वीडियो से साफ नहीं होता। हमारे नेता जो देश की बात करते हैं, देश के धड़कन की बात करते हैं, देश की तकलीफ की बात करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। आज की तारीख में जो वहाँ पर समस्या है उस पर उन्होंने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा, और आज राहुल गांधी जी को तो चाहते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की वो हाउस में आए, तो ये भी उनकी एक साजिश है कि भाई मुद्दों से भटकाना। आज हम लोगों ने मुद्दे पर बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना कल मुद्दे में थी ना आज मुद्दे पर बात। लेकिन बीजेपी ने राहुल के इस एक्शन को झट से लपक लिया और राहुल को चरित्रहीन घोषित करने की जुगत में लग गई। बीजेपी की महिला सांसदों की फौज तुरंत एक्टिव हो गई। बाकायदा 20 महिला सांसदों की टीम ने स्पीकर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत तक कर डाली। पत्र में राहुल गांधी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान संसद की घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि श्री राहुल गांधी वायनाड केरल से सांसद और संसद के सदस्य ने केंद्रीय मंत्री और सदस्य स्मृति जुबिन ईरानी के प्रति अशोभनीय व्यवहार किया और अनुचित इशारे किए। जब वो सदन को संबोधित कर रही थी तो हम सदस्य ऐसे व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसने न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान किया है बल्कि बदनामी भी हुई है और इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को कम किया है। सदन का अंदर राहुल गांधी जी ने इंडेसेंट बिहेव किया है। वो स्मृति ईरानी जी को देख के, महिला मेंबर्स को देख के प्लेन किस कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट का अंदर इंडिसेंट बिहेव करना ये पहली बार ऐसे हो गई है, इसीलिए हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, शिकायत किया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप और इसके साथ साथ जो सदन की गरिमा है उसका कोई एक अनुशासन होता है, लेकिन पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो उस तरह के जेस्चर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर सदन के अंदर दिखाते हैं कि जो अनुशासन में नहीं होते हैं, जो कि हमारे सदन की गरिमा के खिलाफ होते हैं। उसी तरह का जेस्चर आज भावभंगिमा उन्होंने जो है आज प्रस्तुत की, और मुझे लगता है कि वो हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं उन सबको नागवार गुजरी, और इसलिए जो है वो स्पीकर महोदय के सामने जो है शिकायत दर्ज की। हमने पार्लियामेंट के अंदर ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। पहले भी ऐसा हुआ था कि वो अपने साथी के प्रति आंख मार रहा था, लेकिन आज जो हुआ, जो खड़े होके जैसे विक्ट्री होके स्पीकर के सामने खड़े होके उन्होंने जब श्रुति जी ने बोलना शुरू कर लिया, उसी के साथ उन्होंने जाते जाते जिस तरह से फ्लाइंग हाथ में वेव करके फ्लाइंग किस किया, वो हम लोगों को सहन नहीं है, क्योंकि सभी महिला बैठी थी, हमारी संस्कृति, हमारा मंदिर, इसमें ऐसा व्यवहार नहीं सहन करेंगे। ये अभद्रता जो राहुल गांधी ने अपने भाषा में और अपने शारीरिक जेस्चर में किया, ये बहुत ही दुखजनक है और निंदादायक है। ये ऐसे दिखाया जाता है कि आप इतने सालों से संसद हो, संसद सदस्य हो, और आपको ये भी पता नहीं कि किस रूप से आप पार्लियामेंट में बिहेव करना चाहिए, आपने संसद में किस रूप से आपने आचरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, और इससे आपके संस्कार भी दिखते हो कितने खराब। स्पीकर को पत्र लिखने वाली बीजेपी महिला सांसदों में जो शामिल है उनके नाम है रेखा वर्मा, संघमित्रा मौर्य, रक्षा खड़से, देवाश्री चौधरी, अपराजित सारंगी, सुनीता दुग्गल, दर्शाना जरदोष, रंजना बेन, लॉकेट चटर्जी, पूनम महाजन, प्रतिभा भौमिक, भारती सान्याल, रंजीता कोहली, शोभा करंदलाजी, अन्नपूर्णा देवी, हीना गावित। उधर शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब वो बोल रहे थे तो सभी मंत्री खड़े थे, मंत्री रुकावट पैदा कर रहे थे, उन्होंने स्नेह भरा इशारा किया, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए एमपी बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है, वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है और इसलिए संसद को मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है।